रेडी हो गए हैं, अब ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट करके फिर जो नेक्स्ट हमने लोकेशन पे जाना है वहाँ पे जाएंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या हम खाना खाते हैं। यूजली फ्रूट्स और बाकी चीज़ें तो हैं ही। चलो लेट्स गो। इधर की तरफ है हमारा ब्रेकफास्ट, अभी ब्रेकफास्ट की तरफ जाते हुए। तो सबसे पहले हम फ्रूट्स खा रहे हैं, वाटरमेलन एंड पपाया। इलायची केला भी था लेकिन वो लेटर ऑन हम अपने ट्रेवल में के लिए साथ में ले लेंगे। तो अभी हम इंजॉय कर रहे हैं। साथ में एक अंचल वर्मा जी है, ये भी फ्रूट्स खा रही है धीरे धीरे संगति का असर होते हुए। सो अभी हम सबसे पहले फ्रूट्स खा रहे हैं। हमने वाटरमेलन लिया है, साथ में पपाया लिया है, इलायची केला भी था, वो हम अपने ट्रैवल के रख लेंगे साथ में ताकि इनकेस ट्रैवल में भूख लगी। और साथ में कंचन वर्मा जी है, वो भी फ्रूट्स खा रही हैं। संगति का असर है, देखो रंग बदलते हुए साथ में। और हमारे ट्रेनर साहब ने ये नहीं बताया कि कल हमने डिनर में भी सिर्फ फ्रूट्स खाए हैं, पपाया वाटरमेलन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। जबरदस्ती इनको भर भर के वाटरमेलन खिलाया गया। जबरदस्ती एक पपाया एक वाटरमेलन हम दोनों ने खत्म किया। और हमारे पास जान नहीं बची थी, जगह नहीं बची थी पाइन एप्पल खाने की, हमारे पास पाइन एप्पल भी था। करिया सर होएगा। ब्रेकफास्ट में है हमारा प्लेन उत्पम, ये बीट डोसा है, ये अपना पीनट पोहा, इडली चटनी, ये पम्पकिन चटनी है, साथ में कॉफ़ी। एंजॉय कर रहे हैं ये कंचन जी का एज यूजल। मैसूर गोंडा तो जरूर खाएंगे वो, है ना। बाकी चीज़ें खा चुकी है, कुछ भी नहीं खाया मैंने। टूटे देखो खत्म हो रहे हैं यहाँ पे, बाकी भी खत्म हो गया। इडली खाई है, ये देखो इडली, वन बाइट ऑफ इडली। सो ये इधर यहाँ पे केरला लाइव टी एंड कॉफ़ी सर्व करते हैं, साथ के साथ ही आप बनाएंगे। इधर इधर दूध है, इधर टी टॉप लगाया कंटेनर। यहाँ पे इंस्टेंट कॉफ़ी है बनाते हैं, मतलब वो नहीं है फिल्टर कॉफ़ी, नहीं है इंस्टेंट कॉफ़ी, दे आर यूजिंग इट, वो इसके अंदर बना देते हैं। सो राइट नाउ अभी हम चेकआउट कर रहे हैं अपने उदय बैक वाटर रिजॉर्ट से। अब ये कैब वाले भैया वेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लोकेशन पे जाएंगे, उसकी भी मैं उसका भी अपडेट करता हूँ आपको। अभी हम अपनी कार के अंदर है और इधर की तरफ आप दिखाओगे तो ये बैक वाटर है। हाँ ये भी बैक वाटर है, हम रास्ता भटक तो नहीं गए, है ना। रास्ता भटक गए ना, इधर इधर हम रास्ता भटक गए, अब वहाँ पे जाएंगे, यू टर्न मारेंगे जाके, कोई बोट मिले तो ऐसे जाके वहाँ पर जाएगा, उधर है वो आइलैंड देखने, वहाँ पर देखने। अच्छा तो अभी हम आइलैंड देखने के लिए आए। अच्छा मुझे लगा रास्ता भटक गए, रास्ता नहीं भटके, हम यहीं पे बोट से जाना आइलैंड। बोट एंगने सो इधर शी शेल्स, इसके अंदर से बीच में से आपने देखा होगा बॉईल करके निकालते हैं फिर वो खा लेते हैं लोग। ये देखो यहाँ पे पहाड़ पहाड़ बनाए रखे हैं इन्होंने, ये बैक वाटर है, उधर आइलैंड है जहाँ पे हमने जाना है। इधर कौवे कौवे। तो अभी हम बोट में अपने बैठ चुके हैं यहाँ पे क्रॉस करके, अभी बैक गियर डाला गया है हमारी बोट का, फिर वो आगे आइलैंड पे लेके जाएंगे। ये इधर की तरफ मैं दिखा देता हूँ, आइलैंड का चक्कर मारेंगे यहाँ पे इस बोट को। यहाँ पे आप कौन सी जगह है, पादरिया मणल आइलैंड, इधर जा रहे हैं हम। बाकी वो देखो वहाँ पे स्पीड बोट भी चल रही है उनकी, साइलेंट भी लेके जाएंगे भैया, क्लोजअप मैं बाद में दिखाता हूँ। तो ये आइलैंड है जिसके पास में हम पहुँच गए, हमारे बोट वाले भैया पूरे मजे से धीरे धीरे बोट चला रहे हैं। बोट चलाते चलाते कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने बोला वाइल ड्राइविंग डू नॉट यूज फोन बट वाइल बोटिंग यू कैन यूज फोन। सो ये है हमारा स्टॉप, हम यहाँ पे अभी उतरेंगे, ये पहले से ये व्हीकल पार्क कर रखे हैं, इनको साइड में करेंगे, इन्हीं के ऊपर से क्रॉस करके देखो अगर आपको दिख रहा हो उसी स्पीड बोट वाले ऐसे टाप के जा रहे हैं, हमें भी ऐसे टाप के जाना है, फिर हम ये बर्ड सेंचुरी में पहुंचेंगे। सो बर्ड सेंचुरी में हम आ गए हैं, यहाँ पे टिकट लेनी है 20 रुपीज़ होता ताकि ये जो चीज़ें मेंटेन कर सके उसका ये गवर्नमेंट चार्ज करती है, ताकि जैसे आपके पैसेज बनाए वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो भी थे, कि और रेस्क्यू बोट भी रखी हुई थी उन्होंने कि इन केस
कुछ हो जाए तो वो रेस्क्यू कर सके डाइव करके अपनी बोट ले जाके। तो बाकी आपको इधर व्यू दिखाता हूँ, यहाँ पे पहले बीच में इन्होंने कैफ़े भी ओपन किया था, लेकिन लोग गंद पाते होंगे यहाँ पे, पीपू के यहीं पे फेंक देते होंगे, इसलिए बंद कर दिया शायद। सो ये है बर्ड सेंचुरी, बाकी मैं पहले घूम लूँ फिर वीडियो बनाता हूँ। अब ये जो नॉर्मल रास्ता है उससे हट के हमने दूसरी पगडंडी पकड़ी है ताकि हम थोड़ी बर्ड्स देख सकें, उनकी आवाज़ें भी सुन सकें। सो ये है ये बैक वाटर्स का वो यहाँ पे, और इधर 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 इन्होंने वॉशरूम भी बना रखे हैं। तो हम इतनी देर से घूमे जा रहे हैं, हम यहाँ पे रास्ता भटक गए हैं, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है कि हम गूगल मैप से रास्ता पूछ सके। सो अभी हम इधर की तरफ पहुँचे, इधर भी बंद है, इधर भी पानी है, पीछे से हम आए हैं, पता नहीं चल रहा कौन से रास्ते से आए हैं। चलो सो ये बर्ड सेंचुरी में चल चल के देख लो हालत क्या हो गई है। बहुत ह्यूमिड है क्योंकि रात में बारिश हुई थी, उसके कारण ह्यूमिड हो रखा और ट्रीज ज़्यादा, वैसे ही इधर का एरिया ह्यूमिड भी रहता। सो अभी देखते हैं एंड स्टार्टिंग पॉइंट पे कोकोनट वाटर मिलता तो वो पियेंगे जाके। बाकी अभी पूरा वी हैव एक्सप्लोर दिस बर्ड सेंचुरी। सो अब वापस जाएंगे, बोट वाले को कॉल करेंगे, फिर वो हमें वापस लेने आएगा। तो ये हमने ले लिया नारियल पानी और हम जिस बोट में आए थे वो बोट चेंज हो गई, दूसरी वाली बोट आ गई, इसका स्टेयरिंग जो है वो वुडन का वो है। निकाल दी हैं, ये देखो पसीने निकाल दिए हमने बिना कटा नारियल पानी। केरला में आओ तो नारियल पानी ज़रूर पीते रहो क्योंकि यहाँ के ह्यूमिड वेदर के कारण ही यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको हाइड्रेट रखती है, आपके इलेक्ट्रोल्स को पूरे रखती है बॉडी के। बाकी नारियल पानी मलाई वाला भी दिया है, अब देखते हैं मलाई कैसे निकालेंगे क्योंकि हार्ड है बहुत। अब मुझे इन्जॉय करने दो, आप बाकी वीडियो देखो जाके। सो अभी हम रास्ते में लंच के लिए रुके हैं। सो ये है लंच पर जहाँ पे हम कर रहे हैं वो कड़ी लीव रेस्टोरेंट। सो हमने ऑर्डर किया है केरला मील वेजिटेरियन थाली, तो इसके अंदर वो छोटी छोटी कटोरियों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स राइस लेके आएंगे और बाकी भी ऑप्शंस हैं बहुत सारे। नॉर्थ इंडियन जो आना चाहते हैं उनके लिए अलग से यहाँ पे ऑप्शन रखे हैं उन्होंने, इधर जैसे पनीर बटर मसाला, पनीर मखनी, आलू गोभी। और ये देखो मैं एक चीज़ देख रहा था यहाँ पे, उन्होंने लस्सी लिखा है, कहाँ गया दिस साइड, ये इन्होंने लिखा है पाइनएप्पल लस्सी, लस्सी लिखा है लस्सी, यहाँ पर पाइनएप्पल लस्सी भी लेंगे। कंचन वर्मा ने ये भी करेला वेजिटेरियन थाली ऑर्डर करी है। बाकी ये है हमारी वेजिटेरियन थाली, ये चटनी है पम्पकिन चटनी और साथ में ये आता है ना, चाहिए तो ये भी सब में। सो दे हैव रसम, सांभर एंड कर्ड, और ये भैया लेके आए। यहाँ पे पराठा को परोठा बोलते हैं, परोठा, तो अगर यहाँ पे बोले हमने परोठे खाए हैं नाश्ते में तो समझ जाना कि उन्होंने पराठे खाए हैं, नॉर्थ इंडियंस की तरह आलू वाले दबा दबा के। सो अभी हम पहुँचे हैं अपने न्यू रिजॉर्ट, रीतम नाम है यहाँ पे रिजॉर्ट का। सो दिस इज़ द रिसेप्शन, अभी हमें लेने आएंगे हमारे गेस्ट। हमें दिए गए हैं, थक के आए हैं तो हमें वाइप करने के लिए। सो ये है इनका इधर का रिसेप्शन एरिया, सो दैट साइड आप देख लो, और ये अभी हमें वेलकम ड्रिंक के लिए वेलकम ड्रिंक लेके आए हैं। भैया आपका नाम? रोशन। रोशन, यस। ओके थैंक यू, वेलकम, थैंक यू। लेट्स एंजॉय आवर रिफ्रेशिंग वेलकम ड्रिंक। Perfect. Thank you, sir. Thank you. So right now we are going ahead towards our room. So room number 407. और सभी जा रहे हैं, सामान पीछे से आ जाएगा।
जो अपना बैग लैपटॉप वाला और पर्सनल थिंग्स वाला है वो हमने साथ में ले लिया है। सो उधर की तरफ आप देखोगे पोर्शे, ब्लैक कलर की पोर्शे पार्क है किसी की। सो दिस साइड इज आवर रूम, दिस इज रेस्ट रूम। सो ये देखो आप नाइस, तो जो केरला की इट्स अ बोट और बोट राइट, बोट का डिजाइन है इधर अपना आर्ट। यहाँ से सीधा ही आपको पूल का वो दिखता है व्यू, पूल पूल और पीछे आपको बैक वाटर्स दिख जाएगा जो केरला का बैक वाटर्स है। और आप वो विलास है ना वो, और जो सामने देख रहे हो आपको वो विलास है। सो इन केस आप अपने फैमिली के साथ आते हो या फिर पर्सनल अपने विला भी बुक कर सकते हो तो डायरेक्ट वो पूल एक्सेस वहीं से है आपका एंट्री। सो इधर अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो रिसेप्शन है, तो एक बार आपको रिसेप्शन का इन्होंने ट्री लगाया पूरा ऐसे ऊपर जाता है और इन्होंने नीचे वाटर बॉडी रखी है, इनके बारिश भी हुई है, नीचे जो इनका फाउंटेन बना हुआ है बैंगल वो हो जाए। चलो आओ मेरे साथ आप चलो, ये है हम यहाँ पे रिदम रिदम रिजॉर्ट के अंदर है। तो इधर की तरफ अगर आप देखोगे तो लोटस के आपको स्टार्स भी दिख जाएंगे, तो अच्छा बड़ा प्यारा डिसेंट और एकदम नेचर के पास वाले रिजॉर्ट बनाया काइंड ऑफ, कि आपको फील हो कि आप रिलैक्स करने आए हो माइंड को बॉडी को और बाकी पहल पहल से दूर। तो गार्डन भी एकदम करके रहते हैं। This side they have their restro, restro bar तो नहीं है, restro कह सकते हैं, बाकी में भी drink serve करते होंगे। कोमल होटल fitness center, तो we are going towards indoor play room and fitness center। तो यहाँ पे इनके villas भी है, cottage भी है, प्राइवेट विलास भी है। तो इन केस कोई प्राइवेट विला या फिर कॉटेज बुक करना चाहता है, विलास बुक करना चाहता है, वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। कॉटेज हम जिसमें रुके हैं वो आई गेस कॉटेज है, बाकी पता नहीं वहाँ पे क्या है। कॉटेज हम कॉटेज में नहीं रुके, हम डीलक्स रूम में। तो ये आउटर से थोड़ा सा आप दिखा दोगे, तो ये देखिए विला का लुक है 301 and 302। तो अभी हम दरवाजे खोल रहे हैं अपने जिम की तरफ के। सो ये मुझे बहुत पुरानी मशीनें रख ली हैं यहाँ पे, इन्होंने जो साइकिलिंग रखी है इधर आके आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये साइकिलिंग फिटनेस ट्रेडमिल पता रखा है कि बंदा अपनी एक्सरसाइज से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके फिर अपने आप को फिट रख सके। बाकी जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो विदाउट इक्विपमेंट वाली बनाता हूँ, कि हर जगह आपको नहीं मिलता, कोई लग्जरी में होटल में रुकता है, कोई नॉर्मल में, कोई डोरमेट्री यूज़ कर लेता है, ऐसे ऐसे करते हैं। तो इस हिसाब से हम प्लान करते हैं कि अपने फ्री बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं। बाकी इधर देखोगे तो इन्होंने टेबल रखा है, इसकी एंट्रीज भी यहाँ पे है, आप चाहो तो मूर्ति भी खेल सकते हो, कैरम भी खेल सकते हो। और बाकी इन्होंने चेस्ट भी रखी और डार्ट भी है, देखो निशान ये बन रहा है अपने डार्ट को, एक ही डार्ट है बिल्कुल। लेट्स गो बुल्स आई ओके, ओके चुपका ही नहीं और केज की मारना मुझे लगता है 13। तो ये होगा ये जो मारेंगे, रेडी रेडी लेट्स गो। इधर की तरफ विला विला है, इन्होंने बाकी ये बैडमिंटन कोर्ट भी देख रहे हो, अंदर रैकेट रखे हुए थे जहाँ टीटी था ना साइड में रखे हुए थे। और इनका क्या है कि आप जब चेक इन करते हो उसके बाद ये शाम को बोट राइड पे भी ले जाते हैं आपको 4 से 5 प्योर, आपको बस रजिस्ट्रेशन करानी है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसके आपके पैकेज में इंक्लूड ही है। तो बोट राइड पर लेके जाएंगे, शाम की आपको चाय कॉफ़ी भी देते हैं, बाकी डिनर तो आपको अपना यहाँ पे पेड करना ही पड़ेगा, ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है। बाकी विलास बहुत अच्छे हैं, ऐसे सोचो घर हो लोगों के, है ना, सही रहेगा। चंडीगढ़ वालों ऐसे जो प्रॉपर्टी डीलर है कोई या बिल्डर है
ऐसे ऐसे विलास बनाओ तुम, साइड में पार्किंग हो केरला स्टाइल में, प्यारे प्यारे से हर्ट ग्रीनरी थोड़ी मेंटेन करके रखो, और बाकी एकदम फर्स्ट क्लास। बाकी इन्होंने क्या है बोट जेटी, जेटी का मतलब पता नहीं क्या होता है, बोट जेटी। इधर की तरफ अगर मेरा कैमरा मैन थोड़ा फोकस करे, देखो नीचे की तरफ उन्होंने कितना प्यारा प्लेटफॉर्म बनाया है। जो मैं बोट राइड की बात कर रहा था ना, तो यहाँ से वो बोट रेडी करके जाती है। तो इनकी बोट भी बड़ी प्यारी लग्जरी सी लग रही है। हमने जो राइड करी थी शिकारा में, ठीक है, उसके अब अपने अपने मजे हैं, क्योंकि वो लोकल जो लोग हैं वो ड्राइव करते हैं। यहाँ पे इनकी थोड़ी स्पीड बोट टाइप वाली, क्रूज टाइप वाली लुक दे रही है, जो स्पेशल लोग वो करते हैं। ब्लैक पर्ल, तो बोट का नाम है ब्लैक पर्ल डायना पॉइंट CA सिग्नेचर, तो ये बाहर से मंगवाई गई ये बोट। चलो देखते हैं, कंचन वर्मा जी हमारी बोट राइड पे जाएगी, अगर हमारा मन हुआ हम भी चल जाएंगे। तो इधर की तरफ इन्होंने बेड्स रखे हैं, पूल भी है, तो पूल बेड्स हो सकता है। ये बैक वाटर बॉडी जो बोट है, मेरे ख्याल से वही है, उसी बोट्स को घुमाते हैं। सो इधर की तरफ इनका स्पा है, तो आइए हम स्पा का भी चीज़ें पूछ के आएँ क्या क्या अवेलेबल है। तो लेट्स सी। सो यहाँ पे इन्होंने गेम के लिए सेटअप्स भी लगाया है, ताकि किसी के साथ बच्चे हो तो वो भी इंजॉय कर सके। सो ये सर्कल डालो, प्राइज मिलता है आफ्टर विनिंग, यू गिव प्राइज, नो प्राइज, जस्ट फॉर फन गेम, जस्ट फॉर फन। सो डार्ट उन्होंने उधर बैलून लगाए हैं, अपने डार्ट थ्रो करो एंड देन इवन वो उधर बॉल थ्रो कर गए, एंड यू हैव टू ब्रेक ऑल द ग्लासेस। तो मेरे पीछे पूल है और अब हम भी रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही प्यारी ठंडी हवा चल रही है, हाँ हाँ हाँ, ऐसे लग रहा है कि वो समर में मौसम नहीं जाता मानसून का, और बारिश के बाद हवा चलती है प्यारी प्यारी सी, सेम ऐसे फील हो रहा है। साथ ही दरी तरफ देखेंगे ये ट्रीज भी दिख जाएंगे आपको, उधर इन्होंने शाम को लाइट किया, बादल के गरजने की आवाज़ भी सुन रही है। ये हमारे पैर और ये सामने बैक वाटर, अगर आप पेड़ों के पत्तों को देखेंगे हिलते हुए तो हवा का अंदाज़ा आपको हो जाएगा। और आसमान में उड़ती हुई चिड़िया, सो है ये है रात का व्यू हमारे रूम के बालकनी से, और अभी यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है। ये है इनका पूल, यहाँ से स्टार्ट होता है और एंड तक, इसको ये लोग इन्फिनिटी पूल बोलते हैं। तो बाहर अच्छी बारिश हो रही है, थंडरिंग भी हो रही है, तो लाइटनिंग भी हो रही है, थंडरिंग भी हो रही है, और इधर की तरफ दिखाऊँगा मैं आपको, ऊपर पानी के झरने चल रहे हैं। छतरी लेके आ रहे हैं। सो अभी इनका यहाँ पे शास्त्रीय कल्चरल जो म्यूजिक होता है वो इधर उन्होंने स्टार्ट किया। सो इधर रिमझिम रिमझिम बारिश, यहाँ पे डिनर करो और इधर शास्त्रीय संगीत सुनो। तो ये है यहाँ का मॉर्निंग का वेदर, बहुत ही खूबसूरत, शांत, मनमोहक, सो रिलैक्स।